रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हुसैन गौरी अपने पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों से मुखातिब हूँ और बिलखसूस शफकत तारा साहब की इन कोशिशों को सराहता हूँ जिन्होंने पीसी चैनल पुलिस चैनल के हवाले से एक चैनल कायम किया है और पिछले 5-8 साल से तकरीबन ये वेलफेयर कर रहे हैं पुलिस के लिए। मैं इनको बिलखसूस खराज तहसीन पेश करता हूँ। बात यह 9 जनवरी का दिन एक वकूआ हुआ था जिसमें हमारे हीरो SSP चौधरी असलम साहब शहीद हुए थे और उनकी कुर्बानी लागवाल रहेगी हमेशा। चूँकि उन्होंने अवाम के जान माल के तहफ़ के लिए दहशतगर्दों से मुसलसल नबीद आदमा रहे, उनकी टीम सबको खराज तहसीन, जो जो शहीद है हमारी पुलिस के अफसरान उन सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ उनकी शहादत पर, क्योंकि वो शहीद हैं और जिंदा हैं और हमेशा याद रहे जाएंगे रखे जाएंगे। इस हवाले से 9 जनवरी का दिन मैं तो ये कहता हूँ, मेरी अर्ज है, गुजारिश है अपने अफसरान बाला से कि इसको पुलिस डे की हैसियत से मनाया जाए। चौधरी असलम साहब के 9 जनवरी की शहादत के वकूए को पुलिस डे का नाम दिया जाए और नोटिफिकेशन जारी किया जाए, क्योंकि उन्होंने और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग वैसे भी अवाम के जान माल के तहफ़ के लिए बेताशा कुर्बानियाँ पेश करते हैं। चूँकि आप देखें, ईद के मौके पर जब दुनिया खुशियाँ मना रही होती है, नमाज़ें पढ़े होते हैं, हम उनके तहफ़ के लिए उनके चारों तरफ खड़े होते हैं ताकि इनको कोई दहशतगर्द कोई ना खुशगवार वाक़या पेश ना आ जाए। हमारे भी बच्चे, हम भी चाहते हैं अपने बच्चों में जाए, लेकिन अवाम के जान माल के तहफ़ के लिए अपनी सेंस ऑफ ड्यूटी बरकरार रखते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हर आने वाला पुलिस एहलकार अपनी अवाम के जान माल के तहफ़ के लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ पेश करता रहेगा। और मैं बिलखसूस इस हवाले से कि जिस तरह शफकत तारा साहब बहुत ज़्यादा पुलिस के लिए वर्किंग कर रहे हैं, मैं इनको बहुत ही ज़्यादा ऑब्लाइज करता हूँ, बल्कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट के अफसरान एहलकार इनको लायक करते हैं, क्योंकि ये हमारी आवाज़ उठाते हैं, हमारी सारी खूबियाँ खामियाँ इनके सामने हैं और इन हमारी ज़रूरियात जो भी हैं इनको मालूम है। इस हवाले से हमारी जो परेशानी होती है हम इनको जाके बताते हैं, ये आगे पेश करते हैं हमारे IGs को बताते हैं कि भाई ये परेशानी है, इनके लिए कुछ करें। बहरहाल ये शफकत तारा साहब की जो ये PC चैनल कायम किया है ना, इस पर मैं खुसूसी तौर पर इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। थैंक यू।